तो ये है जो मैं आपको बता रहा था डैम की बात। ये रहा जनाब डैम, वो पीछे आप बस्ती देख रहे हैं, वो बस्ती के साथ में बस्ती है, पता नहीं कौन से गांव की है, लेकिन उसके पीछे डावर है और ये आगे डैम ही है अभी आगे तक है। और ये रोड जाती है बांडीपुरा की तरफ, बांडीपुरा और कहीं राइट को होके ये बगतोर, कांजलवान से राइट होके ये बगतोर जाती है और सीधा घर जाते हैं तो बांडीपुरा राजदान से होते हुए पहुंच जाती है। रोड ठीक ठाक है, अभी कुछ स्ट्रेच पे सूरत खस्ता है लेकिन ठीक है, दावर तक काफ़ी अच्छा है। काफ़ी रश भी है, लोग बाइक्स वगैरह भी आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बाइक पे ही आए थे, ये साहब भी चले गए बाइक पर, इससे पहले भी काफ़ी राइडर्स देखे हैं हमने। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए लोगों को, देखना चाहिए, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। बात करते हैं गजनफर साहब से, जनाब आपकी क्या तासुरात हैं, आप ये ट्रिप ये ट्रिप तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और मैं और आना चाहता हूँ इस जगह पे। बहुत ही अच्छी जगह है, ख़ास करके दूर से जो आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आना ज़रूरी है। वो देखे कैसी जगह है, इसके लिए चाहिए रोड्स बनने चाहिए यहाँ पे। रोड्स जब तक ना सही होंगे तब तक मुश्किल है दूर वालों का आने का इधर पे, क्योंकि रोड्स ही हमको सबसे मिलाती है। जब तक ना रोड्स अच्छे से होंगे तब तक यहाँ पे टूरिस्ट का इनफ्लो आना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जगह तो देखने के लिए बहुत ही हसीन है, दिल कर रहा है इधर ही बैठे, क्या करें। ज़िंदगी का ऐसा तजुर्बा हमने पहली बार देखा है कि दिल नहीं कर रहा है वापस जाने का। वाओ, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। सही है, तो देख रहे हैं आप। टू कम हियर जी, यस, टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल नेचर एंड सी द ब्यूटी अराउंड हियर, इट्स वेरी वेरी, ऑल्दो इट्स चिली आउट हियर बट इट्स वेरी गुड। अब वो मैं आपको बात बताना भूल गया कि अगर आप आ रहे हैं, इवन अगर आप समझ में भी आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि जैकेट्स वैकेट्स साथ में ले आएँ, क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ही रहती है। और ये जो पहाड़ आप पीछे देख रहे हैं, इनके पीछे साहब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके पीछे पाकिस्तान है, सीधी बात है, इधर भी कई पाकिस्तानी है पीछे। तो ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस अच्छा है, फ़ौज भी काफ़ी हेल्पफुल ही रहती है, आगे कई एंट्रीज़ का करानी पड़ती है आपको, जहाँ पे चेक पोस्ट मिलता है आप रुक के एंट्री करें बिना किसी टेंशन के, फ़ौज भी काफ़ी हेल्पफुल ही है। और हाँ ये बात है कि जहाँ जिसके आगे आपको बोला जाता है ना जाए ना जाए, और जिस जहाँ बोला जाता है कि जाए आप जाएँ, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए बेहतर है, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपको कोई अगर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो अपने लिए नहीं है, वो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, इट्स बेटर कि आप ओबे करें, क्योंकि एक वॉर जोन ही है ये, तो सीधी बात है, पीछे पाकिस्तान है, इधर ये है, इधर डैम है, मसले ही मसले है, कश्मीर का मसला तो इधर भी है जनाब, तो फ्लैश पॉइंट तो है ही है। तो इस वजह से जो भी है, आपको अगर कहा जाता है कि फोटोग्राफ ना करें ना करें, अगर आप कहा जाता है कि ना जाएँ आगे तो ना जाएँ, बेहतर है। सो ओवरऑल अच्छा है, आए इन हसीन वादियों में खो जाएं और रब की इस हसीन कुदरत को देखें, अपनी आँखों से तजुर्बा करें। चलें जी, खुदा हाफिज़।